एक तरफ जहां मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण हर दिन एक नया रिकॉर्ड बना रहा है, लेकिन सूबे में बैठी शिवराज सरकार सिर्फ विधानसभा उपचुनाव और खोखले दावे करने में जुटी है। ये कहना है पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति का। राजधानी भोपाल में पत्रकारों से चर्चा करते हुए एनपी प्रजापति ने कहा कि जांच और इलाज के अभाव में अब तक प्रदेश में 1065 लोगों की मौत हो चुकी है। मैं बार बार कहा हूँ, संविधान के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के आधार पर विधानसभा चलती है, निर्णय होते हैं और उन्हीं निर्णयों के आधार पर कोई भी राज्य की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से संचालित या चलती हैं। अब हम जानते हैं कोरोना है, लेकिन आज राजस्थान में भी विधानसभा आहूत होने जा रही है। राज्यसभा सांसदों ने अपनी शपथ ली तो एक दिन दो दिन के लिए राज्यसभा बुलाई गई। समितियां तभी बन पाएंगी जब चालू सत्र में, किसी भी चालू सत्र में चार ऐसी समितियां हैं, लोकलेखा, प्राकलन वगैरह, जिनका चुनाव होता है, विधिवत नॉमिनेशन होता है, फिर विभिन्न दल के अनुपात में उनकी या तो सब लोगों के सामंजस्य बन जाती है और चुनाव नहीं हो पाता। जब पहले उनका चुनाव हो जाता है, अन्य समितियों का गठन नॉमिनेशन से हो जाता है, लेकिन चूंकि अभी इलेक्शन नहीं हुए हैं तो बाकी समितियों का गठन संवैधानिक नहीं है। या तो आप सर्वदलीय बैठक बुलाइए, और बैठक हो गई, मैं तो मांग करता हूं आप जल्द से जल्द विधानसभा का सत्र बुलाइए। जो बजट अभी हम लोगों ने दे दिए थे, छूट दे दी थी कि ऑर्डिनेंस लाके आप कर लीजिए, उसको व्यवस्थित करिएगा। जो समितियां हैं, हम पहले सत्ता में थे, समितियों के अध्यक्ष हमारे थे, आप आ गए तो उसमें आपके होंगे, तो उस बदलाव करने के लिए ये सिर्फ लेखा जोखा से नहीं हो सकती कि आप दे दिए हम दे दिए, उसको आपको विधिवत पालन करने के लिए। अब आप बोलेंगे कि कहां पे ये नियम लिखा हुआ है। देखिए, मैं फिर दोहराना चाहूंगा, विधानसभा नियम कानून और परंपराओं से चलती है। कौल शकधर जी की किताब में लिखा हुआ है कि आपको कौन से नियम का कैसे पालन करना है, और उसमें यह भी उद्धृत है कि प्रोटेम स्पीकर सिर्फ सदस्यों को शपथ दिलाने या 10-15 दिन के लिए ही आप प्रोटेम स्पीकर बना सकते हैं। कौल शकधर आज तक पाए गए हैं, ठीक भी हुए हैं, लेकिन उसमें से लगभग 1065 पॉजिटिव में से मौतें भी हुई हैं। मौतें होना, और उन मौतों में 20% सिर्फ इसलिए हुई हैं कि लापरवाही थी, सही समय पे इलाज नहीं हुआ, सही समय पे जांच नहीं हुई। मतलब ये बढ़ रहा है, आप लापरवाही लॉकडाउन में कर रहे हैं, भोपाल सबसे हॉट स्पॉट बन गया है, ये देखते हुए कि मध्य प्रदेश की राजधानी है, हमने इन 3 महीनों में 23 मार्च से लेके आज की तारीख तक मध्य प्रदेश के किस जिले में इन घटनाओं को रोकने के लिए कितने, हर जिले में, बल्कि मैं तो 230 विधानसभा की बात करूंगा, अगर हर विधानसभा में 5-5 मॉनिटर, 5-5 यूनिट, ICC यूनिट, और वहाँ पे दवा इलाज रखने की, और ये भी आ गई है कि आधा घंटे में आप इलाज करके रिपोर्ट ले सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। लेकिन इसमें भी भर्राशाही चल रही है। आखिर क्या कारण है, अब जितने भी टेस्ट हो रहे हैं, जांचें करने के लिए जो टेस्ट लेते हैं वो एक मुस्त भोपाल इकट्ठा होके गुजरात में ही क्यों जा रहे हैं, गुजरात की ही एक कंपनी से क्यों करवाए जा रहे हैं, क्या मध्य प्रदेश में ही नहीं कराए जा सकते हैं? ये लापरवाही है। इसलिए पॉजिटिव का आंकड़ा 42,618 पे पहुंच गया है मध्य प्रदेश में, मौतों का 1,000 से ऊपर पहुंच गया है। था देखिए, एक चीज है, हम बहुत आसानी से माने, अगर प्रकृति ने नियम बनाया है कि 9 महीने में बच्चा होगा, तो अपन
दूसरे महीने थोड़ी ना बोलने लगे कि क्या हुआ आपने बच्चे का बोला था, 9 महीने का इंतजार करेंगे। वैसे ही वचन पत्र में हमने कहा था कि 5 साल में हम ये वचन पूरे करेंगे, लेकिन पहले दिन से चिल्लाने लगे कि आपने ये किया नहीं किया। और चिल्ला कौन रहे, जो 15 साल रहे सत्ता में उनने कभी भी 5 साल में अपने वचन पत्र पूर्ण नहीं किए, उनको प्रश्न उठाने का मेरे ख्याल से कोई हक नहीं है। हमने तो जो कहा है 365 वचन उसमें पूरे हुए हैं 365 दिन में, 365 कोशिश की, ऐसा नहीं है। और जिस कोशिश को हम विधिवत कर रहे थे, अमली जामा पहना रहे थे, क्योंकि किसी वचन को पूर्ण करने के लिए उसकी नियम प्रक्रियाएं, फाइलिंग, उसका वैसा ऑर्डर लेना, नियम में बांधना ताकि उसको अधिकारी लोग माने, ये संपूर्ण प्रक्रिया करने में समय तो लगता है। भोपाल से शुभम मिश्रा की रिपोर्ट।